हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। गाइस, बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दीब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये दे दिया है लेबनान। ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। गाइस, लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दीप ने बेरूत में हुए एक बड़े विस्फोट की वजह से जनता में आक्रोश के चलने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गाइस, बेरूत के बंदरगाह पर 4 अगस्त को हुए विस्फोट में 160 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 6000 लोग घायल हो गए। इसके बाद वहां के लोगों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे के लिए सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू कर दिया था। गाइस, बात कर लेते हैं लेबनान के बारे में। लेबनान की राजधानी है वो है बेरूत और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है मिशेल नई आन। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है लेबनानी पाउंड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? इस योजना का शुभारंभ किया गया है वो किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इस योजना का लक्ष्य राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत सरकार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गांवों में युवाओं के समूह बनाएगी। वे सभी इन पर आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। गाइस, जिससे भी वनवासियों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने 19,00,000 परिवारों को युवा समूह के माध्यम से कवर करने की योजना बनाई है। तो गाइस, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राज्यपाल है वो है अनुसुईया उइके। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू करने की घोषणा की है? इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है वो की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है। इसकी घोषणा वर्तमान खरीफ की सीजन की मद्देनज़र की गई, जिसमें राज्य के सभी किसानों को कवर किया जाएगा। गाइस, यह योजना मौजूदा फसल बीमा योजना की जगह लेगी। जिन किसानों ने पहले से ही मौजूदा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान किया है उन्हें उनकी राशि वापस मिल जाएगी। गाइस, इस योजना में आदिवासी किसान को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें पिछली योजना में 12 रखा गया था। बात कर लेते हैं अपन गुजरात के बारे में। गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में विजय रूपाणी है और राज्यपाल है वह आचार्य देवव्रत। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है ऑप्शन सी 12 अगस्त को। यह दिन युवाओं द्वारा सम्मान की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। गाइस, जो 2020 की थीम थी वो थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने योग के लिए आयोजित जिम्मेदार मंत्रियों के विश्व सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिश के बाद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। यह दिन पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इस महिला अध्यक्ष को चुना गया है वो है सोमा मंडल। ऑप्शन डी अपना सही आंसर है। उनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ए डबल सी की सहमति के अधीन है। यह ADCC अपनी स्वीकृति दे देता है तो वह सेल की पहली महिला अध्यक्ष होने के दुर्लभ गौरव के साथ इतिहास बनाएगी। वह बात के साथ साथ दुनिया की एक प्रमुख स्टील कंपनी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला होगी। गाइस, बात कर लेते हैं सेल के बारे में। सेल का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर और अभी वर्तमान में CEO है वो है अनिल कुमार चौधरी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया? ये किया गया है Paytm के द्वारा। गाइस, यह भारत में लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला ऐसा एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है जो देश में वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबल लिंक्स आधारित POS उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है।
और कंपनी का लक्ष्य अगले कुछ महीनों के भीतर 2 लाख के अधिक उपकरणों को जारी करना है, जो प्रतिमाह 20 मिलियन से अधिक लेनदेन को सक्षम बनाएगा। गाइस, बात कर लेते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है और अभी संस्थापक हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। इसकी स्थापना हुई थी 2010 के अंदर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री देश ने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है, ये किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया गया। यह सेंटर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली NARIS के डिजिटल कृषि की सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं का पूरा करने में मदद करेगा। गाइस, बात करते हैं ICAR के बारे में। ICAR के निदेशक है वर्तमान में त्रिलोचन महापात्रा। इसका हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर और स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध देश थे, वे थे उर्दू शायर। ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। गाइज, वह एक बॉलीवुड गीतकार भी थे। इनको मुन्ना भाई MBBS के एम बोले और इस फिल्म के नींद चुराई मेरी जैसे गीतों के बोल लिखने के लिए जाना जाता है। वह उर्दू भाषा के पूर्व प्रोफेसर और एक चित्रकार भी थे। 11 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीके मुथुस्वामी का निधन हो गया, वह जाने माने तमिल फिल्म देश थे, ये थे गीतकार। ऑप्शन सी अपना सही आंसर है। गायन, उन्होंने मुनुक बारमा, जिसका अर्थ है क्या पेड़ तुम्हारी पर बोझ है, क्या पेड़ पृथ्वी पर बोझ है, जैसी यादगार तमिल फिल्म के बोल लिखे थे। पीके मुथुस्वामी द्वारा लिखे गए कुछ अन्य प्रसिद्ध गीतों में चिन्ना चाइना, नदई नदुड़ू और मपिलई वांडर शामिल हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एम्पायर को ICC के एम्पायरों के पैनल में पदोन्नत किया गया है, ये किया गया है ऑप्शन ए KN अंथापद्मनाभन। ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। भारतीय एम्पायर नितिन मेनन को एलिट पैनल में शामिल किए जाने के बाद अब KN अंथापद्मनाभन को भी ICC के अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरों के पैनल में शामिल किया गया है। इन्होंने केरल के 105 फर्स्ट क्लास और 54 लिस्ट ए मैच खेले हैं, जिसमें क्रमशः 344 और 87 विकेट लिए हैं। इसके अलावा उनके नाम 3 प्रथम श्रेणी शतक और 8 अर्धशतक भी हैं। गाइज, ICC के CEO भी वर्तमान में मनु सानी हैं। हेडक्वार्टर है वो है दुबई UAE के अंदर और अध्यक्ष हैं वो है इमरान ख्वाजा। ओके गाइज, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।